विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है। तो मैंने इसको बोर्ड पे लिख भी दिया है। क्रय मूल्य किसको कहते हैं? तो क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ जा रहे होंगे कि अगर मैंने कोई पेन खरीदा है 5 रुपए का तो मेरा क्रय मूल्य हो गया, और अगर मैंने कोई किताब को बेचा है 20 रुपए में तो मेरा विक्रय मूल्य हो गया है, ठीक। इसके बाद हम लोग अब सवाल करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग 4 प्रश्न करेंगे, और जिसमें से पहला प्रश्न मैंने बोर्ड में लिख दिया है, और कोशिश रहेगा चार चार प्रश्न में आपका सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कवर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास आज के क्लास में, रमेश ने एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग लाभ ज्ञात कर रहे थे, लाभ प्रतिशत ज्ञात किए हैं, हानि ज्ञात किए और हानि प्रतिशत ज्ञात किए हैं, ठीक। आज हम लोग विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य क्या होता है हमारा? जो भी हम लोग का लाभ आता है उसको क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं तो वही हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। अगर इसको करना शुरू किया जाए तो पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लिख लेते हैं। क्रय मूल्य क्या है इस सवाल में? 1500 रुपये, ठीक है, लिख लिया। लाभ क्या हम लोगों ने लिया है सवाल में? 25%। तो लाभ लिख लीजिए, कितना लाभ हुआ है? लाभ हुआ है, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य को होता है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 1500 रुपये का 25%, ठीक। तो इसमें आप सिंपल देख पा रहे होंगे कि 1500 रुपये का 25%, इसका मतलब कि 1500 रुपये पर हम लोग को लाभ निकाल लेना है। तो लाभ कैलकुलेट कर लीजिए, लाभ बराबर क्रय मूल्य, मूल्य इसको फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य इंटू प्रतिशत दर जो भी होगी हमारी वो 25% यहाँ पर है, और डिवाइड कर देंगे आप लोग 100 से, ठीक। क्रय मूल्य हमारे इस सवाल में है 1500 रुपये। 1500 रुपये इंटू 25% बटे 100। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्रतिशत कहाँ गया? ये प्रतिशत को हटाया तभी हमारा ये 100 बटे में आया, ठीक है। ये 100 ऐसे ही नहीं आता है, जब प्रतिशत को हटा दिया जाता है तो बटे में 100 आ जाता है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये सबको पता, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। अब बच गया हमारा 15 इंटू 25, तो हम लोग यहाँ साइड उसको गुणा करके चेक कर ले रहे हैं क्या हो रहा है। 5 7 3, 375। तो इस प्रकार हम लोगों का टोटल लाभ यहाँ पे आया है, लाभ बराबर 375 रुपए। तो रुपए का सिंपल पहले हम लोगों ने बना दिया 375 रुपए। ये एक तो इस सवाल में हमसे पूछा क्या है? उसका विक्रय मूल्य क्या चीजें वस्तु का, तो लाभ जब तक नहीं आएगा तो विक्रय मूल्य नहीं आएगा, क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य क्या होता है? हमारा विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य हमारे पास है 1500 रुपए, और जो अगर हम लोग लाभ जोड़ देंगे तो हमारा वो विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक। तो क्रय मूल्य कितना हमारे पास? 1500 रुपए, 1500 रुपए लिख देंगे और प्लस कर देंगे जो हमारा लाभ आया है। तो लाभ हमारा आया है ₹375, ठीक। इसको टोटल कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 5781। तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया ₹1। तो टोटल हमारे यहाँ पे आंसर आ गया 1875 रुपये, हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस प्रकार आपने देखा कितना ही इजी सवाल होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, ये मेरा पहला सवाल था। आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि 4 सवाल हर तरीके के सवाल को लेने की कोशिश किया कर रहा हूँ मैं, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पूरा समझ आएगा। तो बच्चों एक इस तरीके का सवाल आता है हमारे पास कि इसमें हमसे क्या कहता है? क्रय मूल्य पूछता है। तो हमको क्या करना होता है सवालों में, पहले सवाल को देखते थे क्या कह रहा है। महेश एक घड़ी को 500 रुपए में बेचकर
यानी इसने यहाँ विक्रय मूल्य दिया, 500 रुपए बेचकर 25% लाभ कमाता है। तो प्रतिशत लाभ भी दे दिया हम लोगों, कितना प्रतिशत? 25%। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इन सवालों में हमको क्या करना होता है, बहुत ही आसान है, हमको केवल मानना होता है। तो हम लोग पहले माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। इधर अगर पहले लिखेंगे तो रुपए का सिंबल बनाएंगे, और अगर अंकों के बाद लिखेंगे तो रुपए लिखेंगे। तो पहले लिखा है तो रुपए का सिंबल है हमारा। इसके बाद तो जब 100 रुपए हमारा ये हो गया, तो इसी पे हम लोग अब लाभ निकाल देते हैं। लाभ निकालो तो लाभ क्या है हमारे, 25%। लाभ बराबर 25%। तो इस अभी हमारा जो लाभ निकल के आएगा इस वाले क्रय मूल्य पे आएगा। तो हम निकाल देते हैं लाभ बराबर 100 × 25/100। तो आपने देखा सिंपल, 1060 कैंसिल, 1060 कैंसिल, तो हमारा आ गया ₹25। तो ये हमारा लाभ निकल के आ गया 25। अब हम लोग क्या करते हैं, विक्रय मूल्य बना लेते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर सबको पता है क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो बच्चों यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा क्या है 100, और लाभ अभी लोगों ने निकाला 25। तो टोटल कर दो यहाँ पर, तो ये हमारा आ जाएगा 100 + 25, हो गया टोटल 125 रुपए। ठीक, तो यहाँ भी अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हम लोगों ने जो माना था माने के अनुसार विक्रय मूल्य बनाया है। अब हम लोग इसको, अब विक्रय मूल्य हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे। तो बच्चों अब आदर्श वाले हो गया, आदर्श वाले यहाँ कर देते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा हमको लिखना रहता है, क्योंकि क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा क्या है, विक्रय मूल्य निकल के आया 125। विक्रय मूल्य 125 रुपए है, तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, क्या मान लेते हम लोग 100। ठीक, तो आ जाएगा यहाँ पर बराबर के दूसरी साइड, इसलिए विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100, और जो यहाँ पे 125 है ये बच्चे में चला जाएगा, तो 100/125 ये हो गया दूसरा लाइन, या यदि कर दीजिए यदि। ठीक, तो ये इस तरीके के सवालों को इसी तरीके से हल किया जाएगा तो जल्दी हमको समझ आ जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य 125 रुपए जो भी हम लोगों ने यहाँ निकाला था वही वाला है 125, तो क्रय मूल्य 100, और यदि विक्रय मूल्य 1 हो जाएगा, इसकी जगह 1 कर दिया तो ये बट्टे में चला जाएगा। ठीक, 125 हो गया। तो अब हमारे पास कितना विक्रय मूल्य है, 500 रुपए, जो सवालों में है 500 रुपए, इसलिए विक्रय मूल्य 500 रुपए है, तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 100/125, और जो ये वाला 500 है ये गुणे में चला जाएगा, तो गुणे 500 हो गया। अब इसको हम लोग हल कर देंगे और हमारा यहाँ पे आज का सवाल हल हो गया। तो सिंपल काट दीजिए, 25 × 25 125 और 25 × 100, ठीक है, इसको इससे काट दीजिए, 5 × 5 और 5 × 5 और 100, 100 × 4 करेंगे तो हमारा आगे क्रय मूल्य 400 रुपए। तो क्रय मूल्य 400 रुपए, तो इस सवाल में हमसे क्या पूछा था, घड़ी का क्रय मूल्य क्या कीजिए, तो हम आंसर में लिख देंगे लास्ट लाइन, घड़ी इसलिए घड़ी का क्रय मूल्य रुपए
400 होगा। यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया है। तो देखा आपने दो सवालों में इस कवर किया गया है, दूसरे टाइप का सवाल है ये। अब दो सवाल और बताएंगे, आज का वीडियो, आज की क्लास हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। प्रॉफिट लॉस में ऐसे भी सवाल आते हैं कि जो नुकसान के कारण जिसको बेचना पड़ जाता है कम कीमत पर, तब हम लोग उसमें विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो देख लीजिए एक सवाल है मेरे पास फिर से। एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं ₹1000 प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। अब हानि में कोई बेचना तो चाहता नहीं, लेकिन अगर बेचना पड़ता है तो बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, पहले हम गेहूं का क्रय मूल्य बनाएंगे, क्योंकि इसने बोला है 15 क्विंटल, यानी 15 क्विंटल गेहूं ₹1000 प्रति क्विंटल के हिसाब से पहले तो हम गेहूं का क्रय मूल्य फाइंड कर लेंगे। चलिए गेहूं का कुल क्रय मूल्य, चलिए तो कितना भाव है 1000 के हिसाब से, और कितना क्विंटल गेहूं है हमारे पास 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो आ जाएगा हमारा 15000। तो 15000 आज का ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब इस पे उसको 5% की हानि हो गई, तो इस पे इसी पे हानि निकाल दीजिए। हानि तो सबको पता है, हानि बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर, हानि बराबर हो गया आपका क्रय मूल्य इंटू प्रतिशत 5/100। तो ये आ गया आपका क्रय मूल्य, हमारे पास है 15000 और इंटू 5/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, पर तो ये हो गया ₹75,750। इतने का हमको नुकसान हो गया है। अब कह रहा है कि नुकसान हमको कितना हो गया टोटल, ₹750 की हमको हानि हो गई है। तो गेहूं का विक्रय मूल्य, तो गेहूं का विक्रय मूल्य सबको पता है विक्रय मूल्य बराबर होता है मूल्य माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य यहां ज्ञात कर लीजिए, यही आंसर आ जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो जो भी हानि होगी उसको घटा देंगे और हमारा आंसर यहीं पे आ जाएगा। क्रय मूल्य हमारे पास है 15000 माइनस 750 की हानि हो गई है, इसको घटा दीजिए आपका आ जाएगा 14,250 रुपये। ये हमारा आ गया आपका गेहूं का विक्रय मूल्य, गेहूं का विक्रय मूल्य। आपने देखा कितना आसानी से ये भी सवाल हल हो गया, गेहूं का विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास 14,250। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितना ही सरल तरीके से ये भी सवाल हो गया। तो बच्चों ये आज का आखिरी सवाल है आज का, और इसमें आप लोग देख रहे होंगे, मैं पढ़ के बता देता हूँ। एक दूध वाले ने अपनी दो गायों को ₹20,000 प्रति गाय की दर से खरीदा। हमको ये भी ध्यान रखना है कितने गाय खरीद रहा है, कितने की दर से खरीद रहा है। तो दो गाय यहाँ पर, यानी एक गाय का मूल्य ₹20,000 है, तो दो गाय का 40,000 रुपये हो जाएगा, और प्रत्येक गाय पर ₹2,000 लाने पर खर्च हुआ। तो ये जो लाने पर खर्च हुआ है, कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं और लाभ कैलकुलेट कर देते हैं हानि। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हमारा कोई वस्तु या सामान कुछ भी आता है, तो उसका जो लाने पर खर्च होता है और भी विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं, उन सबको उस पर जोड़ दिया जाता है, तब जाके वो क्रय मूल्य बनता है। चलिए तो खर्च हुआ, दूध वाले ने दोनों गाय 10% लाभ पर बेच दी। तो दोनों गाय पर 10% लाभ है, इसलिए हम लोग कैलकुलेट एक साथ कर लेंगे और कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसमें लाभ पर बेच रहे हैं तो हमें लाभ ही हुआ होगा, क्योंकि और कुछ क्वेश्चन में नहीं है। तो अब हम इसको पहले क्रय मूल्य देखते हैं कितना आया है दोनों गायों का। तो यहाँ पहले लिखे दोनों
दोनों गायों का क्रय मूल्य बराबर, तो दो का गुणा कर देंगे क्योंकि एक गाय 20,000 की है, तो दो गाय का हो जाएगा, गुणा करके भी आ जाएगा हमारा 40,000। तो 40,000 रुपए ये हमारा दोनों गाय का आ गया, ठीक है। तो अब टोटल क्रय मूल्य कर लेते हैं, तो इसमें हमको जो भी इसमें खर्चा हुआ रहता सब जोड़ लिया जाता, तो लाने पे 2,000 रुपए खर्च हुआ प्रत्येक गाय पे, भी ध्यान देना, यानी एक गाय पे 2,000 लगा, तो दो गाय पे कितना लगा हुआ 4,000 रुपए। तो कुल क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस खर्च, तो यही कर ले रहे हैं हम लोग। कितना क्रय मूल्य आया है 40,000 प्लस खर्च हमारा आ जाएगा दो के हिसाब से, 2×2=4,000 का खर्च हो गया हमारा गायों पर, और टोटल आ गया हमारा 44,000 रुपए, ठीक। तो बच्चों यहां तक आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल सिंपल। अब ये फिर कह रहा है क्वेश्चन में, दूध वाले ने दोनों गाय 10% लाभ पर बेचा, तो इसी का लाभ 10% निकाल देंगे और हमारा विक्रय मूल्य भी हमको पता लग जाएगा, ठीक। 10% लाभ ले लीजिए, लाभ बराबर क्रय मूल्य इंटू 10% बटे 100 बराबर 44,000 इंटू 10/100, ये आ गया टोटल 4,400 रुपए। तो यहाँ पे हमारा सिंपल लाभ आ चुका है 4,400 रुपए। अगर आपसे क्वेश्चन में यहाँ केवल पूछ रहे हैं कुल लाभ या हानि, तो लाभ हमारा आ गया है यहाँ पर 4,400 रुपए। तो अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछ लेगा तो लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य भी आ जाएगा। तो आपको आज ये सारा सवाल समझ आ गया होगा। इसी तरीके से कंपटीशन में भी सवाल आते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताया जाता है, लेकिन पहले हम लोग को जब बिल्कुल बेस पता होगा तभी हम लोग शॉर्टकट भी अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इस क्लास को आज यहाँ खत्म किया जाए, और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारे सवाल समझ आ जाएंगे।